जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते संकट में फंसी हुई है, तब भारत ने एक ऐसा बड़ा काम शुरू कर दिया है जो आगे चलकर उसी सही मायने में दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू की है, जिसे बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। अगर ये पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपया दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, जिसके बाद आप भारतीय रुपयों से दुनिया में कहीं भी खरीदारी कर सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रुपये में विदेशी व्यापार करने की इजाजत दे दी है। रिजर्व बैंक रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए मैकेनिज्म लेकर आया है, जिसके तहत अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सेटलमेंट रुपये में ही हो सकेगा। RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी डिटेल जानकारी दी है। RBI का कहना है कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में भारत से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने और ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी का रुपये में बढ़ते इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद अहम सवाल ये भी है कि क्या रुपए में विदेशी व्यापार की मंजूरी का अमेरिकी डॉलर की पोजीशन पर कुछ फर्क पड़ेगा। साथ ही इस कदम से भारत के ट्रेड को कैसे फायदा होगा। दोस्तों, सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने यहाँ स्पेशल रूपी ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया है। इस तरह से अकाउंट्स को वॉस्ट्रो अकाउंट्स भी कहा जाता है। इस अकाउंट को खोलने के बाद श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आग्रह किया कि वो श्रीलंका में इंडियन रुपए को विदेशी करेंसी के रूप में मान्यता दे। श्रीलंका ने RBI से ये भी आग्रह किया कि वो श्रीलंका समेत SAARC देशों में ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करे। श्रीलंका के इस आग्रह को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि RBI के परमिशन देने के बाद कोई भी श्रीलंकाई नागरिक अपने 8,26,823 रुपए यानी कि 10,000 अमेरिकी डॉलर नकद रख सकता है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि भारत और श्रीलंका के कारोबारी और आम नागरिक अमेरिकी डॉलर के बजाय आसानी से इंडियन रुपीज में बिजनेस और परचेज कर सकेंगे। भारत सरकार ने इस साल जुलाई में ये महत्वाकांक्षी पहल शुरू की, जिसका मकसद उन देशों को वैकल्पिक ट्रांजेक्शन सिस्टम उपलब्ध करवाना है जो अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे देशों में स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर उन्हें रुपी सेटलमेंट सिस्टम के तहत लाया जाना है, जिसके बाद भारत और उन देशों में सीधे भारतीय रुपये में लेन देन शुरू हो सकेगी। अब इस बात को समझते हैं कि श्रीलंका ने भारत की इस पहल को हाथों हाथ क्यों लिया है। दोस्तों, असल में पिछले 2 साल में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अमेरिकी डॉलर की भारी कमी हो चुकी, जिसके चलते वो दुनिया के दूसरे देशों से अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रही है। उसकी अपनी करेंसी श्रीलंकन रुपी की इंटरनेशनल मार्केट में खास वैल्यू नहीं है, इसलिए उसे ऐसी करेंसी की जरूरत है जिसकी दुनिया में साख हो और जो उसे आसानी से उपलब्ध भी हो। इंडियन रुपीज में ये दोनों खूबियां मौजूद है। इंडियन रुपी श्रीलंका में पहले से लीगल करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात, भारत से अच्छे संबंध होने की वजह से उसे बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी मिलने में दिक्कत नहीं होगी, जिसके जरिए वो बाद में दुनिया के अन्य देशों से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेगा, साथ ही अपनी रुकी हुई अर्थव्यवस्था को भी कुछ गति दे सकेगा। दोस्तों, भारत सरकार की इस पहल को दुनिया के देश किस तरह रुचि दिखा रहे हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि RBI अब तक 18 वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल चुका है। इनमें से रशिया के लिए 12 अकाउंट्स, श्रीलंका के लिए 5 अकाउंट्स और मॉरिशियस के लिए 1 अकाउंट शामिल है। यानी इन तीनों देश में अब भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में पूरी तरह मान्यता प्राप्त होगा और आप वहां जाकर रुपए से कोई भी चीज खरीद सकेंगे। अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान ने भी भारत की इस पहल में दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही वहां पर भी RBI अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल सकती है। दोस्तों, फाइनेंशियल मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से आग्रह किया कि वो संबंधित पक्षों से मिलकर भारतीय रुपए में व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसे भारतीय रुपए की दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता बढ़े और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसके एक्सचेंज रेट्स में भी सुधार आए। बताते चले कि फिलहाल दुनिया की एकमात्र बड़ी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिकी डॉलर है और दुनिया के सभी देश इसी करेंसी के जरिए एक दूसरे से व्यापार करते हैं। दोस्तों, अमेरिका अपनी करेंसी के जरिए दुनिया के बिजनेस पर इफेक्टिव कंट्रोल रखता है और उस जिस देश को दबाना चाहता है, US बैंक उस देश को अमेरिकी डॉलर की सप्लाई घटा देता है, जिसे वो बाकी दुनिया के साथ कारोबार करने में या बिजनेस करने की कैपेसिटी खो देता है।
उसकी इस बादशाहत को तोड़ने के लिए रशिया और चाइना जैसे देश लंबे समय से कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाए। और अब पीएम मोदी की लीडरशिप ने भारत ने इस बारे में जोरदार पहल शुरू की है, जिससे सकारात्मक नतीजे भी दिखने लगे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिकी डॉलर के साथ ही इंडियन रुपी भी दुनिया की प्रमुख इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, तो हैरानी की खास बात नहीं होगी। दोस्तों, आनंद राठी सिक्योरिटीज के चीफ इकोनॉमिस्ट सुजान हजरा का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से नियर टर्म्स में भारत को फॉरेन एक्सचेंज की कमी झेल रहे कई इमर्जिंग देशों के साथ व्यापार करने में सहूलियत होगी। साथ ही ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत इंटरनेशनल लेवल पर रुपए को एक महत्वपूर्ण करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात डॉलर के दबदबे के लेकर हो, तो इस कदम से फिलहाल फॉरेन ट्रेड के लिए प्रमुख करेंसी के रूप में अमेरिकी डॉलर की पोजीशन में कोई बदलाव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। उनका कहना है कि ये कदम ट्रेड पार्टनर्स के बीच भारतीय रुपए की स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रोसेस का हिस्सा है। हाल के दिनों में हमने चाइना की ओर से अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए अलग अलग उपायों को देखा, और इस तरह की पहल के जरिए भारत भी यही कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभिक बरुआ का कहना है कि रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की मंजूरी से डॉलर की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय रुपए में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो इंटरनेशनल पेमेंट को ज्यादा प्रभावित कर सके। इससे पहले चाइना ने भी ये कोशिश की है, लेकिन वो भी बहुत सफल नहीं हुआ। बरुआ का कहना है कि यूरो जैसी मजबूत करेंसी में भी इंटरनेशनल ट्रेड की ज्यादा बिलिंग अभी नहीं होती है, और उन्होंने ये भी बताया कि उनको नहीं लगता कि इसका ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस मूव का फायदा ये होगा कि हम रशिया और कुछ अन्य ट्रेड पार्टनर के साथ घरेलू करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे। हमें डॉलर डोमिनेंस से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसका कोई असर नहीं होगा। सुजान हजरा कहते हैं कि हाल के समय में कुछ इमर्जिंग मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में इन देशों के साथ भारत का व्यापार प्रभावित हो सकता है। RBI की ओर से रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को मंजूरी दिए जाने के कुछ हद तक कंडीशन में बदलाव आ सकते हैं। बायलेटरल ट्रेड बैलेंस के नेट सेटलमेंट का एक मैकेनिज्म आने वाले समय में इस प्रोसेस को और सुविधाजनक बना सकता है। दोस्तों, RBI का मैकेनिज्म बताएं तो RBI ने नोटिफिकेशन के मुताबिक रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए ऑथोराइज डीलर को RBI से अनुमति लेनी होगी। विदेश मुद्रा अधिनियम कानून 1999 के तहत रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था होगी। जिस देश के साथ कारोबार होगा उसकी मुद्रा और रुपए की कीमत बाजार से आधारित होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुपए में भी सेटलमेंट के नियम दूसरी करेंसीज की तरह ही होंगे, और नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेड सेटलमेंट के लिए संबंधित बैंकों को पार्टनर कारोबारी देश के AD बैंक के स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट की जरूरत होगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।